जिसको देख के तो बहुत मजा आएगा, जबकि स्टार्टिंग इस मैच की इतनी कुछ खास थी नहीं। यहाँ पे देखो सीन क्या था, हम लोग आए थे यूजुअली इसी जगह पे लूट करने के लिए, एंड यहाँ पे एक दो और आ जाता है फाइट लेने के लिए। आ जाओ बे, आ जाओ। हाँ बस अपना अपना वो पोजीशन पकड़ के बैठ। देखो यहाँ पे एबीएस के साथ में बहुत गलत सीन होने वाला है। एबीएस वैसे तो आराम से बेचारा क्यूपी ले रहा था, मगर एक एम चोक करने की वजह से एबीएस चोक होने वाला है। जी जी रे क्यूपी नहीं डाले। अरे यार जितनी दमदार इस मैच की स्टार्टिंग हुई थी 1v2 के साथ में, उससे भी खतरनाक इस मैच का एंड जोन होने वाला है। सही में बहुत ज्यादा खतरनाक। और ऊपर से ठहरी ये भी एक हैकर लोबी, जिसमें सही में यार बहुत ब्रूटल लेवल का एक हैकर था। उसने कम से कम भी 25 से 30 किल किए थे। अब बस यही एबीएस पूरे मैच दुआ करता रहा कि किसी तरह वो हैकर मुझ पे पहुंच जाए। ये मैच बहुत हार्ड था क्योंकि मैं बस किसी तरह माइनस अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। अभी के लिए एबीएस मुझे बोलता है पुश करने के लिए। अंजल है सिर्फ, ली कहाँ है? मेरे कद्दू के अंजल। गाइस, अगर तो आज आप हमारे इस प्यारे से चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। आपको सही में बहुत प्यारा कंटेंट देखने को मिलेगा। सही में यार हम इतना प्यारा खून का कंटेंट लेके आते हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा यार। सोलो डुओ स्क्वाड हर तरह का कंटेंट, और ऊपर से इतने ब्रूटल लेवल के हैकर लोबीज में कि बस क्या बोलूं। आज दिन भर खेल के मैं एक मैच अच्छा नहीं निकाल पाया। सही में यार मतलब सही में अब तो दीवारों के आर पर बंदे मार के जा रहे हैं, तो बहुत गलत सीन हो रहा है। फिलहाल के लिए यार गेम में देखो क्या सीन था। यहाँ पे जोन जो था वो मेरे आसपास ही बनता जा रहा था, मुझे ही फेवर करते हुए जा रहा था। अभी तक मुझे हैकर का कंफर्म नहीं था वो मरा या नहीं मरा है, क्योंकि एबीएस तो बस यही दुआ कर रहा था किसी तरह वो हैकर मुझ पे पहुंच जाए। मगर इस मैच में किस्मत मेरी थोड़ी अच्छी थी कि हर एक जोन मुझ पे फेवर करता जा रहा था, हर एक जोन नियरली मेरे ही बिल्डिंग के आसपास बनता जा रहा था, तो मुझे सिंपली से यहाँ पे बस होल्ड करना था, थोड़ा पेशेंस का गेम दिखाना था। अब आएगा नेट तेरे पे, मेरे को क्या पता, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। डैम ब्रो भाई चलाते पे ये मारा, अभी तक मारा कैसे? हट, तू है भाई तू। यार ये सामने वाले बिल्डिंग वाले बंदों को मानना पड़ेगा, ऐसा कैसा डोज करके कि ना एक भी मोली में फिनिश हुआ ना एक भी नेड में फिनिश हुआ। फिलहाल के लिए यहाँ पे 7 बंदे बचे हुए थे, मेरे अलावा 3 पूरे डुओज। एंड देखो ये वाला एंड जोन कितना इंटेंस जाने वाला है। जोन यहाँ पे चल चुका था डेथ जोन। गेम ब्रो सब एक साथ ही मर गए। ओ एक ही बचा। ओ लेट्स गो बे, क्या चिकन निकाला यार। सही में ये बहुत ब्रूटल है अगर लोबी थी। एक बंदे की किल फील्ड कम से कम भी 25 से 30 बार आई। एबीएस को तो कंफर्म था ये मैच तो इम्पॉसिबल है चिकन निकालना, मगर सही में ये एक इम्पॉसिबल ही चिकन निकल गया। तो यार ये वाले मैच के लिए देखो सब्सक्राइब करना बनता है सही में ही। अभी के लिए बढ़ते दूसरे मैच में।
मेरी साइड में यहाँ पे दो बंदे लैंड किए थे, बारी थी इन बंदों से फाइट लेने की। मेरे पास यार ये बंदे पहले तो मेरे पे क्लोज इन कर रहे होते, बट बीच में ना जाने इनका कैसे मूड चेंज हो जाता है, ये बंदे यहाँ से निकल लेते हैं। अब हमारा टारगेट था इनको ढूंढ के मारने का, हम यहाँ पे नियरली आसपास के हर एक कंपाउंड को चेक करते हैं मगर हमें बंदा नहीं मिलता। एंड यहाँ पे अब गुमबिर की इस मैच में हमारी फाइट होने वाली हैकर से, जिसमें इस बार हम उसे बहुत गंदा लपेटेंगे। ये भाई बेचारे ऑल माइक पे बोलते हुए जाते कि 15 का माइनस लग गया, मगर अगर हम ना मारते थे यहाँ पे हैकर मार देता, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में हैकर का स्प्रे आ रहा था जिसने इसके टीममेट को नोक दिया होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कैसे लेटे हुए बंदे को ये बंदा यहाँ पे दीवार के ऊपर से डैमेज मार रहा है। इनकी गोलियां तो पैराबोला में चलती है। यार मुझे भी पता है सामने वाला हैकर है, मैं गलती से एक स्मोक कर लेता हूँ ऐसी मन की शांति के लिए। और एरियस को देखो नहीं 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 क्या 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 सोच के तू स्मोक कर रहा है। आ जा। देखो भले ही मेरे नोक ना होने में स्मोक का कोई रोल नहीं था, लेकिन मैं तो तब भी फ्लेक्स करूंगा। बाकी अभी के लिए ये हैकर हम पे यहाँ पे क्लोज इन कर देता है। चलो अच्छा वो काम कर दिया इन लोग ने, क्लोज इन तो कर दिया इन लोग। मतलब यार अभी तो मैं दूर से रोटेशन ले रहा हूँ, ये बंदा अभी से ही ट्रेस कर रहा है। अब मुझे पता था इनका एमबोर्ड जो है दीवार के नजदीक खड़े होने पे भी आराम से ट्रेस कर लेता है, मैं थोड़ा दीवार से सट के ही खड़ा था। बाकी फिलहाल के लिए ये वाली पूरी फाइट तुम सिर्फ साउंड सेंस के साथ में एंजॉय करो, यहाँ पे वॉइस ओवर कम ही करूंगा क्योंकि आराम से देखो ये हैकर के फुटस्टेप्स के अकॉर्डिंग कैसे हम यहाँ पे इससे फाइट लेते हैं। पीछे भाग रहा है। डैम ब्रो अबे लेकिन मेरा नेट कैसे नहीं गया उसपे, उठा उठा उसको उठा के अंदर ला। यार भाई इतना बिजी हो रखे सामने साइड में स्प्रे देने पे, आसपास से कोई मतलब ही नहीं है, हैकर होते हुए भी इतना गंदा कैसे आ सकता है यार। तुमको जानता हो तुम सोलो में कॉन्करर किया है ना। सोलो में भी मैं कॉन्करर थी। जैसे मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स के पास में बंदी नहीं है, वैसे इन हैकर्स के पास में शर्म नहीं है। मतलब बेचारा प्राउडली बता भी रहा है भाई मैं व्यूअर भी हूँ। अरे व्यूअर होते हुए भी हैक क्यों लगा रहे हो यार, जब देख रहे हो लेजेंड प्लेयर कितना दुख उठाते उसके बावजूद भी हैक लगा रहे हो। के ऊपर ही है। अरे इधर दोनों साइड है। भाई लेकिन मेरे को डैमेज पड़ गया, रुक दूसरे पे जाते कूद गया पीछे। इस फाइट में यार मुझे यहाँ पे असिस्ट ही मिलता है, एबीएस यहाँ पे आराम से इन बंदों को टेक डाउन कर जाता है, उसके बाद में एक डुओ और यहाँ पे टेक डाउन होता है। एंड अब यहाँ पे हम पे आते हैं बोल्ट एक्शन के शॉट्स। अब यार लकीली यहाँ पे मुझे क्रेट में ओम मिल जाती है, मगर 8x नहीं मिलता है, मगर कोई बात नहीं 6x से साथ ही सही। पहले कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। ये मार्केट में नया है। अबे यार कहाँ पे मारा? शैक पे। चलो उधर ही स्कोपिंग करके बैठ, मैं नीड कर रहा हूँ पास में जाके। तो बड़े मालिक मुझे यहाँ पे आदेश देते हैं कि उन बंदों को पिन करके रखो, मैं आराम से जाके नीड कर लूंगा। और हम बड़े मालिक का कहना कैसे टाल सकते हैं, बड़े मालिक यहाँ पे 2 किलो और उठा लेते हैं। अब यहाँ पे बारी थी सामने साइड में एक बचे हुए बंदे को टेक डाउन करने की, क्योंकि यहाँ पे फाइट होके बाकी तो खत्म हो चुके थे। बाय द वे सामने वाले शैक पे भी बंदा है एक, कवर दे।
डैम ब्रो। देखो मैं चाहता तो पहले दो शॉर्ट्स को कट भी कर सकता था, सीधा तुम्हें तीसरा शॉर्ट दिखा देता, मगर मैंने रखा है वो ये बताने के लिए कि 6x पे मेरी स्नाइपिंग इतनी आसान है नहीं, क्योंकि मेरी 6x से सेंसिंग काफी हाई होती है वैसे स्प्रेस के लिए। बाकी फिलहाल के लिए यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें एक और स्पॉट होती है। देखो ये स्प्रे ट्रेसिंग मैंने किसी तरह थंब से ही मैनेज की है, क्योंकि अगर मैं जायरो से ये ट्रेसिंग करता तो मेरा चार्जिंग बोर्ड भी साथ साथ में आ जाता। अब क्या कर सकते हैं यार, आईफोन 12 ले रखे तो ये दुख तो झेलने पड़ेंगे। रिच पे दिखा मतलब डैम ब्रो, डिवाइन डिवाइन भाई यो डिवाइन भाई यहाँ पे खाते एक प्यारा सफट का। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ से लेफ्ट साइड में डाउन रिच पे कुछ नहीं दिख रहा है। होपफुली उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, मगर चल इधर है। नहीं बीजीएमआई ना भाई साहब एक बहुत महान गेम है, यहाँ पे तुम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, और अगर तुम डुओ खेल रहे हो तब तो भूल जाओ तुम विश्वास कर सकते हो। यहाँ जरा इस बंदे को देखो, इस भाई के यहाँ पे एक की खेड़ी है, और यहाँ पे इस बंदे की ट्रेसिंग देखो, भाई को पहले से बीजीएमआई वालों ने बता दिया हम वहां से आ रहे हैं, और अभी तो इसका एम भी देखो। ए भाई ए शैगी तू क्लासिक छोड़ भाई, तू जाके कॉम्पी खेल, छोड़ दो तुम क्लासिक, कॉम्पी खेलो तुम्हारे लिए वही बना है। चलो वैसे मैं दिल से दुआ करूंगा ये एक बंदा लेजिट हो, क्योंकि आज के इकलौता यही मैच था जो लास्ट तक निकला है, इसमें भी मुझे तो खैर कुछ अच्छी भाई भाई नहीं, हालांकि इसमें भी ऑलरेडी एक हैकर बैन हुआ था, फिर एक को हमने मारा, फिर ये वैरायटी, ये तो छोड़ो यार। ये भाई अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा ये पहले से वहां पे ट्रेस कैसे करते हुए आ रहा है, मेरे गेम में ऐसे फीचर क्यों नहीं है यार। खैर यही था अपनी आज की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मैंने मेन माइनस तो कोई भी अपलोड ही नहीं की, दिखाने लायक ही नहीं है वो। मिलते हैं आपके लिए और बहुत प्यारे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे कर लेना, पैसे नहीं लगते फॉलो करो, बाय।